ग्वालियर से है जहां कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह का बड़ा बयान आया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया है, ये कहना है लाखन सिंह का। वो कह रहे हैं कि दो विधायक तोड़े हैं, बीजेपी के छह और विधायक कांग्रेस के संपर्क में। आईडी के नोटिस पर बोले हैं गफलत में ये नोटिस दिया गया है, आज हम दस्तावेज पेश करेंगे। गौवंश के लिए उत्पादों पर टैक्स को लेकर भी उनका कहना है कि हमने गायों के लिए 4 से 20 रुपए प्रतिदिन का फंड बढ़ाया है, फंड के लिए सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करें। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लाखन सिंह कह रहे हैं दो विधायक तोड़े हैं, अब ये छह विधायक और कौन से जो संपर्क में है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए आज लाखन सिंह यादव जो कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बीजेपी का दांव उल्टा पड़ चुका है और अब दो विधायक तो पहले से तोड़ लिए, इसके अलावा छह विधायक उनके संपर्क में है, वो भी कांग्रेस में आने वाले हैं। और जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिरकार वो छह विधायक कौन से जो बीजेपी से कांग्रेस में आने के लिए तैयार है, तो लाखन सिंह ने कहा कि ये अंडरस्टूड है और आने वाला जो समय है उस समय में सब सामने आएगा कि क्या आखिरकार वो छह विधायक कौन से हैं जो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने वाले हैं। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ लाखन सिंह यादव ने आज ऑन कैमरा ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका, इस बात की जरूर जो बीजेपी जता रही थी कि उनके विधायक खिसक सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लाखन सिंह के बयान के बाद वापस सियासत गरमाएगी और एक बार फिर कांग्रेस ने दावा किया है कि छह और विधायक उनके संपर्क में और जल्द ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने वाले। जी बिल्कुल, एक सवाल जरूर उठता है सुशील यहां पर कि जो दो विधायक अभी कांग्रेस पाले में नजर आ रहे हैं वो पार्टी कब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जैसे ही पार्टी ज्वाइन करेंगे दल बदल कानून की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, देखिए दोनों विधायक जैसे ही पार्टी ज्वाइन करते हैं तो दल बदल कानून के दायरे में आ जाएंगे, यही वजह है कि अभी तक उनका जो है पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना तय नहीं हो पाया है। हालांकि लाखन सिंह ये दावा जरूर कर रहे हैं कि आने वाले समय में बड़े घटनाक्रम होंगे और छह और विधायक जो है बीजेपी के वो जल्दी कांग्रेस में शामिल होंगे। तो अब क्या कांग्रेस की क्या रणनीति है, या फिर मंत्रियों का जो है बीजेपी पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए ऐसे बयान है लाखन सिंह के, या फिर वाकई में इन बयानों के पीछे कुछ हकीकतें हो सकता है कि आने वाले तो दिनों सुशील में? एक सवाल जरूर यहाँ पे, जो बात आप कह भी रहे हैं मनोवैज्ञानिक दबाव, जिस अंदाज में बीजेपी पहले कहती थी कि 24 घंटे में सरकार गिरा देंगे, सदन के बाहर इस तरह के बयान दिए जाते थे, सदन के अंदर गोपाल भार्गव ऐसे बयान देते थे, लेकिन हकीकत ऐसी थी नहीं। अब क्या ऐसी ही बात लाखन सिंह कर रहे हैं कि हकीकत कुछ और है, लेकिन बोलना तो है, सियासत तो है, करना है? हो सकता है कि बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई हो कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाए, बीजेपी जिस तरह से कहती रही है कि जिस दिन चाहेगी सरकार गिरा देगी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो दूध का दूध पानी का पानी उठे, ऐसी हो सकता है कि कांग्रेस की ये रणनीति हो अब आने वाले समय में बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए कि उनके विधायक उनके संपर्क में है और जल्द ही बीजेपी से छह और विधायक आने वाले हैं कांग्रेस में। तो हो सकता है कि ये रणनीति जो है दबाव की रणनीति हो, लेकिन जो भी है आने वाले समय में कुछ सामने आएगा, लेकिन सुशील गरमाएंगे। सुशील रही हमारे साथ लाखन सिंह, कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह ने आखिर कहा क्या है ये अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। कि बंगाल अब कर्नाटक के बाद उनका बंगाल मिशन है, फिर मध्य प्रदेश में आपको शायद जानकारी में नहीं है कि जिस मिशन को लेके वे चल रहे थे उनका मिशन उल्टा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक हमारे साथ आ गए और छह और आने वाले। अभी लेटेस्ट है, लेटेस्ट छह और कौन लोग है सर की जो ये अंडरस्टूड है? ग्वालियर के मेट्रो कॉर्टिकल सिटी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना है, क्या सरकार से उठती? निश्चित तौर पर होना चाहिए, हमारे सिंधिया जी की पहल है और उन्होंने कल ग्वालियर चंबल के तमाम सारे नेताओं को वहाँ सीएम साहब के सामने मिलवाया था, उनसे चर्चा हुई और मुझे लगता है ग्वालियर में यदि ये मेट्रोपॉलिटी इसकी यदि शुरुआत होती तो ग्वालियर के लिए एक बड़ा अचीवमेंट। क्या खाका खिंचा है, किस तरह का मतलब आपने तैयारियां शुरू करेंगे यहाँ? सुशील हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, लाखन सिंह कह रहे हैं कि दांव उल्टा पड़ गया बीजेपी का, दो विधायक अभी हमारे पास आ गए हैं, छह से और बात चल रही है। अच्छा है, देखिए उस घटनाक्रम के बाद में लगातार कांग्रेस के मंत्री बौराए हुए से हैं और ये जो अपनी पीठ सप्तपाने का काम अपने ही द्वार पर कर रहे थे वो दरअसल इसी प्रकार के लगातार बौराहट बयानों के द्वारा उजागर कर रहे हैं। अच्छा हो ये जो गाय मर रही है गौ अभ्यारण्य में,
सड़कों पर उनको संभालने का काम करें, क्योंकि जिस प्रकार से जो जिम्मेदारी है कोई मंत्री वो तो निर्वहन कर नहीं रहा। केवल इस प्रकार के बोराहट में दिए गए बयान ही लगातार हैं। और आपके संपर्क में छह क्यों हैं साहब? हम तो जो रजनी जी सर, दो आपके विधायक कांग्रेस के साथ खड़े नजर आते हैं सर, वो क्यों बोराएंगे और क्यों बौखलाएंगे, थोड़ा ये समझाइए ना। मैंने जो कहा कि अगर आपके छह संपर्क में हैं तो छह ही क्यों संपर्क में हैं जी, सारे के सारे संपर्क में क्यों नहीं है? दूसरी बात ये है कि आप ये जो बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारे छह विधायक संपर्क में हैं या दो, विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, दो कांग्रेस के विधायक हो गए क्या वो? और दूसरी बात ये है जो मैं कह रहा हूं कि ये लगातार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। गाय मर रही है सड़कों पर, गौवंश सड़कों पर मर रहा है, उसकी देखभाल कर नहीं रहा। आज दिनांक तक एक गौशाला भौतिक रूप से नहीं खोली गई, एक गौशाला 8 महीनों में नहीं खोली गई। जी, और इस प्रकार के ये ठीक है, रजनी जी रोकूंगा आपको, रजनी जी रोकूंगा आपको। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, दो विधायक तो आपके खेमे में नजर आ रहे हैं लेकिन उन्हें पार्टी कब ज्वाइन करा रहे हैं आप? छह और विधायक भी लाखन सिंह कह रहे हैं कि संपर्क में है। देखिए लाखन सिंह जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता है, मध्य सरकार में मंत्री है, और लाखन सिंह जी यदि कोई बात करे तो निश्चित तौर पर उनके पास विषय में संपूर्ण जानकारी होगी। मेरे स्तर पर जानकारी की वो बाकी छह कौन है, छह क्या बल्कि अब चार और जोड़ लीजिए, 10 के करीब चर्चा है, लेकिन उनके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी अभी नहीं। नंबर एक, नंबर दो विधायक तो सबके सामने, नंबर तीन हमारे मित्र अभी बात कर रहे थे कि 7 महीने 8 महीने में एक गौशाला भौतिक रूप से नहीं बनी। सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दो विधायक सामने हैं तो ज्वाइन कराइए ना पार्टी, कब कराएंगे? अरे प्रशांत जी, ये बीजेपी थोड़ी तय करेगी, बीजेपी जो चिंता करे क्या करना है, कब कराना है, कैसे कराना है, ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। और हम सब जानते हैं कि वो दोनों अभी निर्वाचित विधायक हैं, उसमें कई सारे तकनीकी पहलू होते हैं, तो इसके मामले में कांग्रेस पार्टी संगठन तय करेगा कि विषय में अंतिम निर्णय कब। ठीक है सर, वक्त मेरे पास कम है सर। रजनी जी 10 सेकंड का आपका रिएक्शन। रजनी जी मैंने कहा कांग्रेस के मंत्री बोराए हुए हैं और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी घबराए हुए हैं, और वही बार बार निकल कर उजागर हो रहा है। ठीक है सर, आपके नजरिए से कांग्रेस बोराई हुई है, बौखलाई हुई है। सर माफी के साथ रोक रहा हूँ, वक्त कम है। रजनी जी बहुत शुक्रिया, पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया, सुशील आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो स्वाभाविक है, सियासत हो रही है।